तो आज हम ये पाठ्य योजना आपके समक्ष है, इसमें क्लास टॉपिक बात करेंगे क्यूपोला भट्टी की या क्यूपोला फर्नेस की, जो कि अपने ऑटोमोबाइल मैकेनिकल और प्रोडक्शन तीनों ब्रांचेज में चलता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमको ये पता है कि कास्टिंग में फर्नेस की जरूरत क्यों है, भट्टी की जरूरत क्यों है। तो विकास आप बता सकते हैं भट्टी की जरूरत क्यों पड़ती है? डिफरेंट मतलब मेटल्स वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज मतलब करते हैं, कास्टिंग बनाने के लिए हमको क्या करना है, पहले उसको पिघलाना है, मेल्ट करना है। पिघलाना तो मेल्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? भट्टी की, भट्टी राइट? फर्नेस। फर्नेस या भट्टी की यस आवश्यकता होगी। अब क्लास शुरू करने के पहले ये हम जानते हैं कि फर्नेस की कास्टिंग प्रोसेस में जरूरत इसलिए है जिससे कि हम मेटल को मोल्ड कर सके या पदार्थ को हम पिघला सके। अब क्लास शुरू करने के पहले मैंने आपको बोला था कि YouTube.com पर ये वीडियो आप देख लें, पेज पढ़ लें, बुक या क्यू में टॉपिक को खोज लें और इन क्वेश्चन का आप देख लें। तो कुछ लोगों ने जिनको मिली है PDF वो देख चुके हैं, बाकी लोग अभी नहीं देखे हैं। अब हम आते हैं हमारे आज की क्लास पर। आज की क्लास में हम सबसे पहले क्यूपुला फर्नेस की इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद क्यूपुला फर्नेस का नीट इसके साथ वर्णन करेंगे और डिफरेंट जोन्स बताएंगे कि हम हमारे क्यूपरा फर्नेस में क्या क्या है। तो इस प्रकार से हम तीन चीजें करेंगे। विकास आप एक काम करिए, आपके अपने एंड पे म्यूट कर लीजिए, जब मैं बोलूं बोलने के लिए तब आप उसको चालू कर लीजिए, ठीक है? डिस्टरबेंस जी तो हो सर। रहा है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्यूपोला फर्नेस के बारे में। तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, क्यूपोला PDF जो मैंने आपको दी थी। तो इस PDF में आप देखेंगे कि PDF शेयर नहीं हुई क्या अभी? विकास थोड़ा खोल के बोल दीजिएगा, मेरे बातों का जवाब दे दीजिएगा जिससे मैं समझ जाऊं। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि क्यूपुला के बारे में हम जाने, तो सबसे बड़ी बात यह है क्यूपुला के साथ कि सबसे पुराना तरीका है ये क्यूपुला फर्नेस मेटल को मोल्ट करने, ठीक है ना? अब आपको स्क्रीन दिख रही ना? विकास जवाब दीजिए, विकास। तो क्यूपुला में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्यूपुला का, वो ये है कि ये फाउंड्री में उपयोग में आया जाता है पिघलाने के लिए और रिफाइन करने के लिए कास्ट आयरन को या ढलवा लोहे को। यहां पर हम जो लेते हैं रॉ मटेरियल, उसमें कास्ट आयरन, स्क्रैप और स्टील, स्टील और आयरन का स्क्रैप लेते हैं। विकास आप आवाज आ रही है? विकास थोड़ा आवाज खोलिए, विकास स्क्रीन दिख रही है, अनम्यूट करके बोलिए। विकास जी बोलिए, सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, जी सर, मैं बोलूँ तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं हाँ बता सर, रहा प्लीज। हूँ कि क्यूपुला फर्नेस जो है इसका उद्देश्य क्या है कि जो फाउंड्री है वहां पर मेटल को पिघलाने के लिए स्पेशली कास्ट आयरन या पिग आयरन जिसको हम बोलते हैं, कास्ट आयरन की खासियत यह है कि इसमें कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा ज्यादा रहती है। यह आपने मटेरियल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा कि 2% से ज्यादा यदि कार्बन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। और 2% से कम है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टील, ठीक है? अब इसमें क्यूपुला की हम बात कर रहे हैं, तो क्यूपुला में हम ये पा रहे हैं यहाँ पर कि हम क्यूपुला में अंदर क्या डालेंगे? पिग आयरन, स्क्रैप आयरन और स्टील। सपोज 1 टन हमने उसमें लिया तो उसके साथ हमको कास्ट आयरन या उसके स्क्रैप के साथ हमको कोक लेना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, इसको हमको पिघलाना है कास्ट आयरन को या पिग आयरन को, और पिघलाने के लिए जो हम फ्यूल यूज करेंगे या ईंधन, वो क्या होगा? हमारा कोक, ठीक है? कोक मतलब कोयला, ठीक है ना? लेकिन उसके साथ एक और चीज है जो कि 0.03 टन है, वो है फ्लक्स या गालक। फ्लक्स मतलब तीन चीजें हैं, इसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगा। पहली चीज, क्या क्या चीज चाहिए अपने को? मेटल चाहिए,
जो पिग आयरन, स्क्रैप आयरन या स्टील हो, इसके बाद क्या चाहिए अपने को, कोक चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए अपने को, फ्लक्स, और आखिरी में अपने को एयर चाहिए जलाने में सहायक होने के लिए। ये टोटल मात्रा होती है 2.38। अब इसमें से निकलेगा क्या क्या, आपको जो मोल्टन मेटल मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.98 टन स्लैग यानी मेल, धातु मेल जो होगा वो कितना निकलेगा 0.05 टन, और बाकी की गर्म गैसेस, छोटी गैसेस जो है स्टेक गैसेस है वो ऊपर निकल जाएंगी, जो इस तरीके से 2.38 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यूपला फर्नेस में आपने देखा कि यदि हमको एक टन बनाना है तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी स्क्रीन, दिख रही है चित्र, मेरा चित्र दिखना शुरू हुआ, चित्र दिखना शुरू हुआ जी सर, है ना। अब इस चित्र को अपन देखेंगे, इसका चित्र हमको जरूर बनाना है जब भी हम क्यूपला फर्नेस की बात करेंगे। तो ये जो चित्र दिख रहा है ये आपका क्या है, क्यूपला फर्नेस। क्यूपला फर्नेस के चित्र का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने कि सबसे पहले ये दो कॉलम होते हैं स्टील के जो वर्टिकल रखे हुए हैं, स्टील के कॉलम है, स्टील सेल से बने हैं, 6 से 12 mm थिक मोटी प्लेट से बने हैं, और इनके अंदर जो आप ये जो सेक्शनिंग देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, अपनी ब्रिक लाइनिंग है सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की। अब इसको मैं बताऊं इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों ने तंदूर देखा होगा, तंदूर में क्या होता है कि बाहर से एक पतरे का टीन का रहता है लेकिन अंदर क्या लगा होता है, अपना मिट्टी लगी होती है। उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर यदि हम आयरन को पिघला रहे हैं तो 1600 से 1700 होगा, तो उस पर क्या है बाहर के मेटल तो पिघल जाएगा, इसलिए ये पिघले ना, तो यहाँ पर हम जो है रिफ्रेक्टरी मटेरियल ब्रिक की लाइनिंग यूज करते हैं। तो पहले स्टील सेल, उसके बाद क्या हो गया ब्रिक की लाइनिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ नंबर लिखे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो एक पहले कौन सी चीज है, कोक, दूसरा कौन सा है आपका फ्लक्स, तीसरा कौन सा है आपका मेटल, क्लियर। 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ, मतलब पहले क्या है आपका कोक, फिर क्या है आपका फ्लक्स, फिर क्या है आपका मेटल, पहली लेयर हो गई, फिर दूसरी फिर से कोक, फिर फ्लक्स, फिर मेटल, फिर कोक, फिर फ्लक्स, फिर मेटल। ये चीज आपने वीडियो में देखी होगी कि वीडियो में अपन ने जो देखा था कि वहां पर तीन रखे हुए थे, पहले क्या था कोक, फिर क्या था फ्लक्स, इसके बाद क्या था आपका मेटल, और वो कंबर पर रखे होते कहां आते थे अंदर। तो यहां पर ये चार्जिंग डोर है, वीडियो में चार्जिंग डोर इस तरफ बनाया था, हमने इस तरफ बनाया हुआ है चित्र में, बस यही अंतर है। तो यहां से हम वो फर्नेस के अंदर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे इसको अपन कवर कर देते हैं, जैसे आपने सिगड़ी देखी है ना, सिगड़ी में नीचे राख आ जाती है, उस तरीके से यहाँ पर जब ये जलेंगे तो कोक क्या हो जाएगा अपना डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका मेटल है वो क्या होगा पिघल जाएगा, राइट। और जो स्लैग है, स्लैग क्या होता है, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या करता है, अब इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास जब चाशनी बनते आपने देखी है, तो चाशनी बनने में क्या होता है थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, उससे क्या होता है शक्कर की जो भी अशुद्धियां होती है वो चाशनी बनने के बाद ऊपर आ जाती है और हलवाई छारे से बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार जो फ्लक्स है लाइमस्टोन, वो स्क्रैप या मेटल में जो भी अशुद्धियां होंगी जब वो पिघलेंगी तो वो ऊपर ऊपर आ जाएंगी, और इनको हम क्या करेंगे यहाँ स्लैग होल में से बाहर निकाल लेंगे। ये चीज समझ में आ रही है विकास, थोड़ा सा बताएं जी सर, ये वाली चीज समझ में आ गई। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया इसमें, कि एक स्टील की है सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है ब्रिक की, अपन ने ईंटों की क्या बनाई है लाइनिंग बनाई है जिससे कि वो पिघले ना, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा रहना है, सही है ना। और फिर उसमें हम जैसे सिगड़ी के ऊपर कोयला जलाते हैं, वैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्या जला होगा, तीन चीजें होंगी, पहला कोक, फिर मेटल, फिर फ्लक्स, इस तरह से तीन बार चलेगा। और नीचे से अब हम इसको आग लगाएंगे, तो आग लगाने के बाद फिर हमको एयर देना पड़ेगी, तो यहां से देने के लिए एयर ब्लास्ट इनलेट है, ये विंडवास कहलाते हैं, विंडवास जिसमें से हम एयर डालेंगे पंप कंप्रेस से, कंप्रेसर के थ्रू, और ये ट्यूअर्स, ट्यूअर्स मतलब छोटे छोटे होल है जिससे कि एयर जाएगी, क्योंकि आग लगने के बाद उसको जलने में सहायक होने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन हमको कहां से मिलेगी, नीचे से। यानी ये छोटी सिगड़ी आप समझ लें
कि कोयला है और ये है, लेकिन सिगड़ी में हम खाना बनाते हैं इसमें खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि तीन नंबर का जो मेटल है सॉलिड फॉर्म में इसको हम पिघलाते हैं। तो ये मेटल पिघल के कहाँ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर नीचे ये बेड बना हुआ है सेंड का, ये भी सेंड का बेड है। देखिए आप क्लास शायद खत्म होने वाली, स्क्रीन खत्म हो तो आप दोबारा, मैंने आपको भेज दिया है उससे आप लॉगिन और आईडी करके अंदर हो जाए, ठीक है ना। अभी जैसे स्क्रीन बंद होगी इमीडिएटली आप फिर से लॉगिन होकर के आ जाए, हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने ये देखा कि नीचे भी क्या है, सेंड का है, जिससे कि पिघली मेटल नीचे जो कवर है, दो कवर है इस तरह से खुलने वाले, तो वो कवर जो है मतलब जिससे कि जब हम भट्टी को बंद करेंगे तो सारा के सारा जो यहाँ पर कचरा है वो बाहर आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ये डोर है, तो यहाँ इसके बाद अब ये मीटिंग को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, और अगली मीटिंग में शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग अगली मीटिंग की तैयारी कर ले, ठीक है, अगली मीटिंग में एंट्री ले ले इमीडिएट। मैंने लॉगिन पासवर्ड भेज दिया।